Good morning, student. Myself Gaurav Dirari from Gaurav Classes. Here you are getting everyday videos related to English and Maths. So in this series, today I have brought Thales theorem, which is most important for NCERT syllabus class 10th. तो आज मैं थेल्स थ्योरम आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि होता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट टू द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. तो हिंदी में अगर हम इसे समझाते हैं तो अगर हम कोई किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचे तो वो जो रेखा होती है वो बाकी के दो भुजाओं को सेम समान अनुपात में विभाजित करती है. ये हमको प्रूव करना है. तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल खींचते हैं ए बी सी. इसका हिंदी ट्रांसलेट करता हूँ. अगर हम किसी त्रिभुज के एक भुजा से तीसरी भुजा से एक रेखा खींचे उसके समांतर तो वो जो रेखा होती है वो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है. ये हमें प्रूव करना है. इसमें सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे. क्या हमको दिया है, जो ये हमारा रेखा है इसको हम डी ई नाम दे देते हैं. डी ई पैरेलल है बी सी के और ये हमको दिया गया है. टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि जो ए डी ये समान अनुपात में सेम रेशियो में ये हमारे डिवाइड हो रही है. हमें प्रूफ करना है ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी. ये हमको प्रूफ करना है. कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा हमें इसमें थोड़ा बहुत. कंस्ट्रक्शन हम अपने हाथ से कर लेते हैं. कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम इनको हम यहाँ से इधर पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जिसका नाम हम एम रख देंगे और यहाँ से इधर पे इसको एन. डी एम परपेंडिकुलर ए ई और ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर ए बी. ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया. एंड जॉइन बी सी सॉरी जॉइन डी ई बी ई एंड डी सी जॉइन बी ई एंड सी डी जॉइन बी ई एंड सी डी. ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया. अब हम इसमें सीधे प्रूफ करेंगे. तो क्या करेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है, ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी. ये हमको प्रूफ करना है. ध्यान से देखना फिगर आपके समझ में अगर नहीं आया हो तो एक बार और बड़ा फिगर बना लेते हैं. ये हमारा ए बी सी ये डी ई एन एम ये परपेंडिकुलर है. तो हम क्या करेंगे, पहले एरिया निकालेंगे. एरिया ऑफ ए डी ई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई मतलब ए डी ई का एरिया हमें निकालना है. त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ए डी का. वन ओवर टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट. वन ओवर टू बेस इंटू हाइट. वन ओवर टू इसका बेस जो है वो है ए डी इंटू हाइट एन ई ई एन ई एन इसका एरिया होगा. इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं. अब एरिया ऑफ बी डी ई हम निकालेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इसका भी हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होगा. तो हाफ ऑफ इसका बेस जो है वो है बी डी बी डी और इसका हम हाइट क्या लेंगे, इसी को लेंगे ई एन क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो ई एन है. बी डी इंटू ई एन इसको हम इक्वेशन टू मानेंगे. अब एरिया ऑफ ए डी ई ओवर एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा वन ओवर टू ए डी इंटू ई एन. वन ओवर टू ए डी इंटू ई एन ओवर वन ओवर टू बी डी इंटू ई एन. अभी ई एन और ई एन हमारा कैंसिल हो जाएगा, हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ए डी ओवर बी डी और यहाँ पे होगा एरिया ऑफ ए डी ई ओवर एरिया ऑफ बी डी ई. ये हमारा निकला है. अभी हम इसको इक्वेशन थर्ड मानेंगे. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर ए डी का एरिया निकालेंगे बट अभी हम बेस इधर से लेंगे और फिर यहाँ से सी डी का एरिया निकालेंगे. फिर उन दोनों का इसी तरह से रेशियो निकालना होगा. एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू हाफ बेस इसका है ए ई इंटू हाइट क्या है डी एम डी एम एंड एरिया ऑफ अब हम निकालेंगे सी डी ई का एरिया. एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इक्वल टू हाफ ई सी
इंटू इसका भी जो हाइट होगा वो क्या होगा, देखिए डीएम होगा उसका भी हाइट, डी एम। तो अब इनका हम रेशियो निकालते हैं, एरिया ऑफ ए डी ई ओवर एरिया ऑफ सी डी ई इक्वल टू हाफ ए ई इंटू डी एम ओवर वो हाफ ई सी इंटू डी एम। ये हमारा हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, डीएम डीएम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए ओवर ई सी। तो इतना हमारा क्लियर हो गया है। अब हम आपको आगे का बताते हैं, हमारा क्या क्या क्लियर हुआ है देख लो। ये इसको ये इक्वेशन वन हमारे पास है, एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ बी डी इक्वल टू ए डी ओवर बी डी। और इक्वेशन थर्ड ये है, इक्वेशन फोर्थ है, एरिया ऑफ ए डी ओवर एरिया ऑफ सी डी इक्वल टू ए ओवर ई सी। इसको हम थोड़ा क्लियर तरीके से लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ए डी ई ओवर एरिया ऑफ सी डी ई इक्वल टू ए ओवर ई सी, इसको इक्वेशन फोर मान लेते हैं हम लोग। अब इसके आगे हम यहाँ पे करते हैं, हमने क्या फाइंड किया है, क्या हमारे पास है, हमने एरिया ऑफ, ये इक्वेशन थर्ड है फोर्थ है, इनका ए डी हमारा ए डी और बी डी निकल जाएगा। अगर ये आर एच एस एल एच एस हमारे इक्वल हो जाए तो आर एच एस इक्वल हो जाएंगे, लेकिन हमें ए डी ए डी तो सेम है, पर बी डी को भी सी डी के इक्वल प्रूव करना है। तो बी डी सी डी के इक्वल कैसे प्रूव होगा, हमारे पास एक थ्योरम होता है, अगर दो पैरेलल लाइंस और एक ही बेस पर अगर दो ट्रेंगल हों तो उनका एरिया जो होता है वो सेम होता है। तो ये जो बी डी ई और सी डी ई है ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, बी सी और डी ई के बीच में, और इनका बेस जो है वो क्या है, एक ही है डी ई। द ट्रेंगल बी डी ई एंड ट्रेंगल सी डी ई आर बिटवीन टू पैरेलल साइड्स एंड दियर बेसिस आर सेम, इनका जो बेस है वो सेम है। तो जो सेम बेस और दो ट्रेंगल, दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्रेंगल्स होते हैं, उनका एरिया सेम होता है। तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सी डी ई। तो अब हमें क्या करना है, हम अब बस पहुंच गए हैं अपने जो हमको प्रूफ करना था वहां तक। यहां से बी डी का वैल्यू हमें यहां पे रख देना है, बी डी का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख देना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी डी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ बी डी इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड में रखते हैं एरिया ऑफ ए डी ई, बी डी की जगह में हमें क्या रख देना है, क्या है थर्ड इक्वेशन, ये है एरिया ऑफ ए डी अपॉन बी डी, बी डी की जगह में सी डी रख दो, एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ सी डी ई इक्वल टू ए डी ओवर बी डी। ये हमारा इक्वेशन, अब हम इसको फाइव मान लेते हैं, ओके फाइव, फिफ्थ इक्वेशन ये हमारे पास आ जाएगा। तो फिफ्थ इक्वेशन आ जाएगा, फोर्थ इक्वेशन क्या है, एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ सी डी इक्वल टू ए ओवर ई सी। तो अब हम इसको सीधे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए डी अपॉन सी डी है, यहां भी एरिया ऑफ ए डी अपॉन सी डी है, ये दोनों सेम है, एरिया ऑफ ए डी एरिया ऑफ सी डी, तो इनके जो एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होंगे, ए अपॉन सो ए अपॉन ई सी इक्वल टू ए डी ओवर बी डी। ये हमारा प्रूव हो गया, ए ओवर ई सी इक्वल टू ए डी ओवर बी डी प्रूव्ड, बिकॉज दियर राइट हैंड साइड्स आर इक्वल सो दियर लेफ्ट हैंड साइड्स विल बी ऑल्सो इक्वल, ए डी ओवर बी डी इक्वल टू ए ओवर ई सी, यही हमको प्रूव करना था यहाँ पे। देखो अगर दो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कहा एक्स इक्वल टू टू है और वाई इक्वल टू भी टू है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स भी तो वाई के इक्वल होगा ना, ऐसे हमने इसको भी निकाला है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मैंने इसलिए बताया आज क्योंकि 10th बोर्ड एग्जाम मैथ्स का भी नहीं हो पाया है कुछ कारणों से, तो वो होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे रिवाइज कर ले घर पर ही। थैंक्स।